सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शरद कुमार चैनल। कैसे हो गाइज? आई होप मेरे सारे गेमर सभी बढ़िया होंगे गाइज। आज गाइज मैं आपको थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज मैं दिखाऊंगा आपको इम्पोर्टेड आर्केड हैंडल, जो कि शायद से अभी तक भी किसी यूट्यूब पर आपने देख चैनल पर नहीं देखा होगा, जो कि प्ले स्टेशन का होता है। और गाइज मैं कहाँ पर आया हूँ सब आपको पूरा एड्रेस बताऊँगा। वीडियो जो है बहुत बढ़िया होने वाली है, तो मैं पहले भैया से मिलवाता हूँ आपको। ये भैया है, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है और मैं गेम्स फॉर इंडिया रन करता हूँ इंडिया के अंदर, जो ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर है, हाँ जी। तो ये एक्चुअली मैं अपने घर से ही रन कर रहा हूँ और ये मेरे घर पर ही सारा स्टॉक रखा रहता है। जैसा कि आपने बताया विशाल कि ये इकलौती एक्सक्लूसिव स्टोर है इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट सेल करती है प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, लाइक आर्केड स्टिक्स और उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो हम ऑनलाइन सेल करते हैं। ऑनलाइन सेल। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप हमारे घर पे विजिट करके भी आप पार्ट्स वगैरह देख सकते हो, आर्केड स्टिक देख सकते हो। तो उसमें से एक आर्केड स्टिक है हमारे पास, ये होता है प्ले स्टेशन का। क्या बोलते हैं मैंने इसको, इसका नाम है क्वानबा ऑब्सीडियन 2। आप देख सकते हो ये ब्रांड है और ये इसका नाम है ऑब्सीडियन। अभी तक शायद किसी ने दिखाया भी नहीं था, क्या नाम है यूट्यूब पे। तो मैं सर्च कर रहा था कि कोई ऐसा मेरे को डीलर मिल जाए जो कि इंपोर्टेड आर्केड स्टिक बेचता हो। गाइस काफ़ी देर देखने के बाद मुझे मिली गए भैया। तो भैया इसको ओपन करके दिखा दोगे? बिल्कुल, मैं ओपन करके दिखाऊंगा और साथ साथ इसके फीचर्स भी बताऊंगा। फीचर्स बताइए। तो ये इकलौती इंडिया में सेल हो रही है हमारे पास, आपको पूरे इंडिया में ये कहीं भी नहीं मिलेगी ऑक्सीजन 2, क्योंकि क्वानबा से हमारी डायरेक्ट डीलिंग है। क्वानबा से हम चाइना से और ग्लोबल जो उनकी शॉप है ऑनलाइन, हम उनसे ऑर्डर करके मंगवाते हैं। और इसमें सारे बेस्ट पार्ट्स लगे हुए हैं, लाइक जो प्रोफेशनल प्लेयर्स प्रेफर करते हैं अपने आर्केड स्टिक में, जो उनको चीज़ें चाहिए होती है वो इस स्टिक में पूरी मिलती है, लाइक बेस्ट लीवर जॉयस्टिक और बेस्ट बटन्स। भाई जरा ये देखो एक बार, जरा देख लो कितना खतरनाक लग रहा है हैंडल। अभी भैया दिखेंगे ओपन करके। तो आपने भाई हैंडल पहले ऐसे, कुछ जो गेमर्स होंगे पुराने उनको पता होगा, जो नए गेमर्स हैं उनको मानो भाई। ये एक्चुअली विशाल जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हाँ, जो बाहर की मार्केटिंग सर्च करते रहते हैं, जिनको क्वानबा के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी वो बता पाएंगे कि क्वानबा जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली आर्केड स्टिक है वो ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में, हाँ जी। और वो क्या करता है, जो अपना ये जो जॉयस्टिक होती है सानवा की होती है, और सानवा एक ऐसी कंपनी है, जैपनीज कंपनी है, जिसके बेस्ट लीवर और बेस्ट बटन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में, हाँ जी। अभी क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है, तो बहुत सारी कंपनीज आ गई है, लाइक क्वानबा अपने बटन्स खुद बना रही है और काफ़ी सारी कंपनीज है जो ये पार्ट्स बना रही है प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए। प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी गेमिंग कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है, टेकन के इतने बड़े इवेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, और स्ट्रीट फाइटर 6 को एशियन गेम्स में भी ले लिया गया है। तो प्लेयर्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आर्केड स्टिक्स यूज करते हैं, उसमें से एक ये भी है। भैया इसके पास फीचर्स बताइए आप, ये बटन्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है इसके अंदर, एक एक करके बताइए सभी। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो जॉयस्टिक है, ये सानवा की जॉयस्टिक यूज़ की गई है। इसमें क्वानबा के खुद के मैन्युफैक्चरर बटन्स यूज़ किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बटन्स हैं, रिस्पॉन्स टाइम्स काफ़ी फास्ट होता है इनका। और उसी के साथ आपको यहाँ पे PS बटन मिल जाता है, जो कि आपके PS5, PS4 और PC सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको L3 मिल जाता है, टर्बो बटन मिल जाता है, ये ऑप्शन बटन है, ये शेयर बटन है, म्यूट का बटन है, ये R3 मिल जाता है, और फिर उसी के साथ आपको ऑप्शन बटन मिल जाता है। फिर उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, DP LS NRS। DP का मतलब होता है, आप कंट्रोलर में देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, ये PSR का कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें DP कहते हैं हम डी पैड को, ये डी पैड है, ठीक है, ये डी पैड हो गया। LS कहते हैं लेफ्ट स्टिक और RS कहते हैं राइट स्टिक, ये राइट स्टिक हो गई। तो इसमें आप ऐसे ही इस स्टिक को इस स्विचर के जरिए इसको स्विच कर सकते हैं, लाइक DP अगर आपको चाहिए डी पैड तो आप इसको डी पैड पर कर देंगे, आपकी ये जो स्टिक है जॉयस्टिक है वो डी पैड पर चली जाएगी, डी पैड पर चली। और अगर आपको चाहिए कि मेरे को लेफ्ट स्टिक भी इस पर चाहिए तो आप लेफ्ट स्टिक पर कर दीजिए, राइट स्टिक चाहिए तो आप राइट स्टिक पर कर दीजिए, उसी में स्विच हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन, जो कंपैटिबिलिटी है इस स्टिक की PS4, PS5 और PC। जी। अगर आप PS5 पे खेलना चाहते हैं तो PS5 पे करके आपको इसको कनेक्ट करना है और PS5 से कनेक्ट हो जाएगी कनेक्ट हो जाएगी। भाई देखो बता दिया भाई ना पूरा, हाँ जी।
और ये कॉनबा की इकलौती आर्केड स्टिक है जो PS5 कंपैटिबल है। क्योंकि PS5 कंपैटिबल स्टिक अभी तक 2-3 कंपनीज ने लॉन्च करी है, जिसमें से कॉनबा ने ऑब्सीडेंट 2 निकाली है। तो भैया इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, क्या होने वाला प्राइस का? इसका प्राइस मैं आपको जरूर ऑनलाइन दिखाना चाहूंगा जो हम हमारी स्टोर पे अवेलेबल है। मैं एक बार आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाता हूं, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहां पे आपको gamestoreindia.com की हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। गेम स्टोर, हाँ जी। और इसी के साथ आप आर्केस्टिक सेक्शन में जाके कॉन्वर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्सीडेंट 2 दिख जाएगी। अभी इस पे होली स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है जो कि 31 तक है, 31 मार्च तक। इसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। ये होगा इसका प्राइस, तो ये इसका प्राइस है 27,900 रुपये। 27,900 रुपये गाइस आपको आर्केस्टिक मिल जाएगी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर भाई इतनी महंगी स्टिक कौन लेगा, लेकिन गाइस सच में लेते हैं। एक ही कुरियर जा रहा है, आप देख सकते हो ये रहा। और अभी भैया जो है इनमें से एक और पैक करेंगे, बता रहे थे भैया ने दिखाया था, ऑर्डर आया था किसी का। जो गाइस प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वही इस स्टिक को बाय करते हैं, जिनको टूर्नामेंट खेलना पसंद है। जहाँ टूर्नामेंट होते हैं प्रोफेशनल गेमर जो होते हैं अपनी आर्केस्ट स्टिक को साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए उनको भैया ने बताया भी था आपको कि उनको बेस्ट से बेस्ट स्टिक चाहिए होती है आर्केस्ट स्टिक, क्या नाम है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए। बिल्कुल, काफ़ी सारे अभी आपने सुना होगा विशाल के गेमिंग जो करियर है वो काफ़ी जल्दी बूस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड तो कर ही रहा है और इंडिया भी पीछे नहीं है। तो अभी पबजी जैसी FPS गेम्स है, वैलोरेंट जैसी गेम्स है, उसमें अगर आप जाओ तो वहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स जो टूर्नामेंट्स खेलना पसंद करते हैं उनको बेस्ट चीज़ें चाहिए होती है। तो इसी तरीके से जो फाइटिंग गेम्स है उसमें भी जो फाइटर होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनको बेस्ट कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं, तो वो ऑब्सीडेंट 2 के साथ जा सकते हैं जो PS5 कंपैटिबल चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑब्सीडेंट 2 अभी तक हमने 50+ मंगवा चुके हैं और अभी हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 4 बचे हुए हैं। 4 बचे हुए, देख सकते हो ऐसा पूरा ही 1, 2, 3 और ये 4 आपका, तो ये एक कुरियर जा रहा है भैया। टोटल 4 ही हमारे पास ऑब्सीडेंट 2 बची है, बाकी सारी हमने ऑलमोस्ट 46-45 हम सेल कर चुके हैं। तो इंडिया में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो स्ट्रीट फाइटर 6 और टेकन 8 खेल रहे हैं और वो इस पर खेलना पसंद करते हैं। तो भाई मेरे और भी सब्सक्राइबर थे जो मतलब काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला भी था कि चल भाई हमें जो है प्रोफेशनल आर्केस्ट स्टिक चाहिए अपने, क्या नाम है, खुद के लिए इंडियन स्टिक नहीं चाहिए। तो मैंने जब सर्च किया तो भैया का क्या नाम है नंबर निकल के आया, तो मैंने भैया से कॉन्टैक्ट किया तो भैया कह रहे कि मेरे पास स्टॉक है आप आ जाओ, तो मैं भैया के पास आया वीडियो बनाने के लिए। और एक भैया पीछे दिख रही है वो कौन सी स्टिक है, ज़रा खबर दिखाओ तो आप। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा लाइक अभी क्या है, ये लीवर वाली स्टिक है, इसमें लीवर लगा हुआ है, आप इसको अपनी पसंद का भी लीवर लगा सकते हैं। अभी इसमें सानवा का लगा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टेकन 8 के प्लेयर्स हैं, ये जो लीवर है ये स्ट्रीट फाइटर 6 के लिए बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन जो टेकन 8 के प्लेयर्स हैं, टेकन के प्लेयर्स वो कोरियन लीवर्स पे खेलना पसंद करते हैं। जापानीज लीवर है और वो कोरियन लीवर पे खेलना पसंद करते हैं। मैं कोरियन लीवर भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सब गाइस इंपोर्टेड मिलेंगे आपको। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा इस लीवर का नाम है नी नी लीवर, नी लीवर नी हो। और ये जो जिनकी फोटो लगी हुई है ये टेकन के वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है, कोरियन प्लेयर है, इन्होंने अपनी हिसाब से अपने पसंद से ये लीवर खुद डिजाइन करवाया है, खुद डिजाइन करवाया टेकन के हिसाब से, टेकन के हिसाब से। हाँ जी, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने डिजाइन किया है, काफी अच्छी तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है लीवर। ये इसका नीचे का बॉडी है, जो मैकेनिज्म है इसका बेस, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। इस पर उनको नी नी का जो नाम है वो भी आपको मिल जाता है। तो इसके साथ आपको ये इसकी शाफ्ट मिलती है विद बैक टॉप, इसको कैप्सूल कैप्सूल टॉप भी बोलते हैं, कैप्सूल की तरह आप देखेंगे। और इसके साथ एक छोटी सी एक्सेसरीज मिलती है, ये देख सकते हो कितना हैंडलिंग है, क्वालिटी क्या मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही बढ़िया। भैया इसका प्राइस भी बताइए, बता दीजिए। इसका प्राइस मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है वो इस प्राइस को देख के काफ़ी शॉक भी होंगे, काफ़ी शॉक होंगे, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आपको दिखेगा लीवर कैटेगरीज में, लीवर कैटेगरी में नील का आपको अलग से इनाम मिल जाएगा। तो ये जो है 9449 का लीवर है, तो भाई देख लो 9,500 रुपये का हैंडल। आपने गाइस मेरी पुरानी वीडियो में देखे होंगे जो कि 250, 300, 400 वो जो होते हैं गेम जोन के लिए होते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्मल गेम जोन होते हैं। जो गाइस प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं उनको ऐसे ही हैंडल और स्टिक चाहिए होती है, वो जो इंडियन स्टिक होते हैं उस पर खेलना पसंद नहीं करते। बिल्कुल, वो एक्चुअली में होता क्या है, जो जो
आर्केड शॉप्स होती है उसमें जो लीवर्स लगे हुए होते हैं उनका प्राइस जो होता है 500 rupees तक मैक्सिमम होता है। 500 तो 500 उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के बच्चे आते हैं खेलने और वो मैश करते हैं तो वो जल्दी ख़राब होती है। जल्दी ख़राब होती है। अगर वो ये लगाएंगे तो वो जब वो मैश करेंगे बटन स्मैश करेंगे और लीवर्स को ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो वो इफेक्ट जल्दी पड़ेगा। तो 10,000 के आइटम अगर उसमें लगा देते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी और प्रोफेशनल प्लेयर्स को पता होता है इसको किस तरीके से हैंडल करना है। किस तरीके से सही है खेलते हैं तो इस कदर खेलते हैं कि बिल्कुल लाइट मूवमेंट करते हैं और बटन्स आराम से प्रेस करते हैं ये बात गाइस भैया ने बिल्कुल सही बताई जो कि ये लेवर है गाइस काफी क्या नाम है आर्केड क्या नाम है जोन पे आप लगाओगे अपने गेम जोन पे लगाओगे तो वहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनको पता नहीं है कैसे खेलते हैं जैसे प्रोफेशनल गेमर खेलते हैं वैसे वो खेल नहीं पाएंगे तो भैया ने बताया कि जल्दी नहीं लगाएंगे तो इसलिए इसका ख़राब होने का चांस हो जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल गेमर होते हैं गाइस वो सालों साल चलाते हैं इस स्टिक को। ये स्टिक मैंने गाइस एक बार यूट्यूब पे देखी थी किसी प्रोफेशनल गेमर खेलते जो आप देख सकते हो एकदम बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। मैंने प्रोफेशनल गेमर को देखा था खेलते हुए तो मैंने यहाँ पे इंडिया में भी देखा तो मैंने और भी शॉपकीपर से पता किया है कि आपके पास ये आर्केड स्टिक मिल जाएगी यानी उन्होंने मना कर दिया कि बाहर ही आपको मिलेगी या फिर बाहर से आपको मंगवानी पड़ेगी। तो फिर भैया मुझे मिल गए तो भैया जो है मंगवाते रहते हैं स्टिक तो मैंने सोचा इसकी एक गाइस वीडियो बनाऊँ अभी तक किसी ने बनाई भी नहीं है यूट्यूब पर ऐसे स्टिक की वीडियो। मैं देख भी रहा था कि क्या नाम है कि ऐसे स्टिक किसी ने बना रखी हो वीडियो लेकिन गाइस मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली और फाइनली आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी। बिल्कुल विशाल आप सही कह रहे हो पूरे इंडिया में जितने भी ब्लॉगर्स हैं स्पेशली गेमिंग शॉप से रिलेटेड या गेम्स से रिलेटेड वो वीडियोस बनाते हैं अभी तक इंडिया में किसी ने भी इन आर्केड स्टिक की वीडियो नहीं बनाई है। अगर उन्होंने बनाई है तो वो लाजपत राय मार्केट जो कि पुरानी दिल्ली में उधर जाके उन्होंने कस्टमाइज जो उनके हाथों से बनी होती है जिसमें बिल्कुल लो क्वालिटी के पार्ट्स डले होते हैं वो उनकी वीडियोस बनाई है। वो काफ़ी सस्ती होती है वो उन प्लेयर्स के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं आप उन स्टिक से स्टार्ट कर सकते हो बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको गेम को लेना है प्रोफेशनल एज अ करियर आप उसको देखते हो तो आप बेस्ट स्टिक्स के साथ ही जाओ वो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आपने गाइस हैंडल बहुत ही देखेंगे इस चैनल पे 250 के 300 के 500 के जैसे ज़्यादा मैं 500 के देखेंगे। ये गाइस सारे 9,000 रुपये का हैंडल है जो कि अभी भैया जी ने बताया कि सिर्फ टेकन 8 के लिए ये यूज़ होता है और ये जो है स्ट्रीट फाइटर के लिए यूज़ होता है और इतनी महंगी से गाइस आपने शायद से देखी नहीं होगी मेरे चैनल पर लेकिन आज मैंने आपको दिखा दी। और भैया जी ये क्या है एक बार बिल्कुल मैं इस पे आने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक और एक देना चाहूँगा विशाल कि प्लेयर आपके व्यूवर्स जब ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे भाई 27,000-28,000 रुपये की स्टिक आर्केड स्टिक फिर प्लस 10,000 रुपये खाली एक जॉयस्टिक जो आप इसमें इंस्टॉल करोगे तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगी तो वो महंगी आइटम्स ही क्यों है। तो मैं उसका रीज़न बताना चाहूँगा कि जो आपने 250-500 रुपये व्यूवर्स की जो पहले वीडियो बनाई होगी आप उन पर कभी भी खेलोगे जो टेकन 8 में जो प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज़ करते हैं मेन चीज़ उनकी एग्जीक्यूशन प्लेयर्स की और जो उनकी मूवमेंट होती है और जो उनकी पनिशमेंट वगैरह वो जो यूज़ करते हैं गेम के अंदर वो इन लीवर से नहीं वो उन लीवर से नहीं हो पाती जो 250 rupees वाले उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं और ये स्पेशली फाइटिंग गेम्स के लिए बनाए गए हैं डिज़ाइन करे गए जिसमें आप अपना मन चाह मूव मार सकते हो जो आप चाहते हो कितना भी हार्ड मूव हो कितना भी हार्ड कॉम्बो हो वो आप इन लीवर से आराम से मार सकते हो बट वो जो लीवर से उनसे मारना एक तरीके से इम्पॉसिबल रहता है। इम्पॉसिबल हाँ जी। अब भैया का ये एक और चीज़ दिखा रहे हैं ये क्या है भैया जी इसमें हमने जो सांडवा के जो बटन्स हैं हाँ बटन्स ओरिजिनल बटन्स हैं हाँ मैंने आपको हैंडल भी दिखा दिया स्विच भी दिखा दिया अब गाइस आपको बटन्स दिखा देता हूँ मैं जरा ये सांडवा के ओरिजिनल बटन है ये देखो भाई ये बटन्स की पैकिंग ही आप देख सकते हो एक मैंने आपको बटन दिखाए थे वो थे 5 रुपये के 10 रुपये के पैकेट के अंदर लेकिन इन बटन को गाइस देखो कितने तरीके से रखा गया है जैसे कि बहुत ही प्रीमियम चीज़ हो प्रीमियम चीज़ है ये बिल्कुल सच में ये जापान की प्रीमियम क्वालिटी के बटन है और सांडवा एक बहुत बड़ा नाम है तो विशाल मैं इसका आपको प्राइस भी दिखाना चाहूँगा जो कि इसका प्राइस है वो शायद 349 के आसपास है 349 आपको दिखा देता हूँ हमारी वेबसाइट पर आपको एक पुश बटन कैटेगरी में आपको सांडवा की कैटेगरी दिख जाएगी तो आप देख सकते हैं अभी 349 का हम सेल कर रहे थे होली ऑफर लगा हुआ है 10% तो 340 का सेल हो रहा है ठीक है। इसी के साथ हमारे पास सांडवा के दो टाइप मतलब दो कलर मिल जाते हैं ब्लैक और वाइट और फिर हम अगर पुश बटन पे और देखें तो हमारे पास एक एक कांडवा के खुद के जो ये कंपनी है ब्रांड है कांडवा उसी के खुद के बटन है तो ये जो है ये मैकेनिकल इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसका प्राइस 100 rupees बढ़ जाता है लेकिन आप इस तरीके से देखो जो कीबोर्ड में जो मैकेनिज्म यूज़ होता है लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड आपने सुना होगा जी, तो वही मैकेनिज्म इन बटन्स में आ गया है
टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है बटन्स की, तो इन बटन्स में कानबा ने ये चीज़ डाली है कि उन्होंने मैकेनिकल बटन्स बना दिए। मैकेनिकल, तो मैकेनिकल बटन्स होने की वजह से वो 100 रुपीज़ थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन उनकी जो लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनका रिस्पांस टाइम फास्ट हो जाता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है और इससे ज़्यादा चलता है, इससे ज़्यादा लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है। भाई देखो, मैंने आपको हैंडल भी दिखा दिए और बटन्स भी दिखा दिए, और भैया ने क्या नाम खुद बटन की क्वालिटी भी यहाँ पर आपको दिखा दिए हैंडल्स की, जो भैया से आर्केड हैंड भैया हैंडल्स के अलावा भी सेल करते हो कुछ आप? मैं बता देता हूँ, हैंडल्स, बटन्स और पीसीबी भी सेल करते हैं। लाइक अगर कोई प्लेयर कह रहा है कि भाई मेरे पास स्टिक है, मैं कस्टम बना लूँगा, लेकिन मुझे पीसीबी नहीं मिल रही, जो मुझे उसमें मदरबोर्ड या चिप यूज़ करनी है वो मुझे नहीं मिल रही, मैं कहाँ से खरीदूँ? तो वो हमारी गेम स्टोर इंडिया पर विजिट करेंगे ऑनलाइन, और यहाँ पर उनको पीसीबी का सेक्शन मिल जाएगा। गेम फोर गाइस क्या नाम है, वेबसाइट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हाँ जी, ये हार्डवेयर एंड पीसीबी में जाओगे तो यहाँ ब्रूक की पीसीबी अवेलेबल है। ब्रूक एक लौती ऐसी कंपनी है जो फास्टेस्ट पीसीबी बनाती है, PS5, PS4 और PC कंपैटिबल। हाँ जी, अब आप कहोगे कि फास्टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़रूरी होता है प्रोफेशनल गेमर्स का। हाँ, रिस्पॉन्स टाइम, तो अगर वो 1 MS भी डिले होता है तो उनके गेम प्ले पर इफेक्ट आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको हर तरह की पीसीबी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे जाना, जो आपको क्या नाम है आर्किटेक्चर पीसीबी रिलेटेड चाहिए वो सब मिल जाएगा भैया के पास आपको। हम सारी पीसीबीज, अगर जैसे किसी के पास आर्के स्टिक पड़ी है उसको खाली पीसीबी लगानी है, लाइक आप ये समझो किसी ने पीसीबी किसी कंपैटिबल स्टिक मंगवाई, पीसीबी कंपैटिबल, तो वो चाह रहे हैं कि अब मैं इसी स्टिक को PS5 में कन्वर्ट कर दूँ, PS5 में भी चले, तो PS5 वाली पीसीबी हमसे परचेज करेंगे, अपनी स्टिक में इंस्टॉल करेंगे, तो स्टिक उनकी PS5 कंपैटिबल भी हो जाएगी। हाँ जी, और मैं इसके साथ आपको एक बार ये मैकेनिकल बटन भी दिखा देता हूँ, उसकी क्वालिटी भी दिखा दूँ, जो कि बहुत शानदार है। ये मैकेनिकल बटन है, ये एक मैकेनिकल वाला बटन है, 349 का एक है ना जी दोनों? हाँ नहीं, ये वाला नॉर्मल बटन है और ये मैकेनिकल बटन है। मैकेनिकल बटन है, और इसको आप प्रेस करो आपको आवाज़ नहीं आएगी इसकी। हाँ, इसको प्रेस करो इसकी आवाज़ आ जाएगी, ये देख सकते हो आप इसकी आवाज़ भी। ये साइलेंट मैकेनिकल बटन है। साइलेंट मैकेनिकल बटन, हाँ जी। और गाइस बटन की क्वालिटी हाथ में लेके अलग ही पता चल गया कि हाँ, जिसकी मैंने एक प्रीमियम चीज़ हाथ में ले रखी है। ये देख सकते हो भैया के पास पूरा स्टॉक आपको मिल जाएगा, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो आपका हैंडल हो, या फिर आपके पूरी आर्किड स्टिक हो। और मैं आपको इसके स्विचेस दिखाना चाहता हूँ, चीज और है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे ऑलमोस्ट सारी आइटम्स इम्पोर्टेंट होती है, गेम्स के कंट्रोलर से रिलेटेड, आर्केड स्टिक से रिलेटेड, जो भी पार्ट है आर्केड स्टिक का इंडिया में नहीं बनता, इंडिया में काफ़ी सारे अभी भी प्लेयर्स जो पुराने टाइम के प्लेयर्स हैं जो रसीला वगैरह पे खेलते हैं, उनको एक छोटी सी कन्फ्यूजन है कि इंडियन लीवर्स और इंडियन बटन्स होते हैं, बट इंडिया में ना कोई बटन बनता है ना कोई लीवर बनता है, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सब कुछ बाहर बनता है। इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ना कोई पीसीबी की, ना कोई बटन की, ना कोई स्टिक की। अगर इंडिया में बनता है तो केस बन जाता है, जो कैबिनेट होता है, जैसे आर्के स्टिक लकड़ी की बना ली या फिर उसको एक्रेलिक का बना दिया, वो इंडिया में बन जाता है, लेकिन और कोई भी पार्ट नहीं बनता इंडिया में, और कोई भी पार्ट नहीं बनता, बाकी ये सारे हैंडल वगैरह सब बाहर से आते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक गर्सन कंपनी है, उसके स्विचेस है, ये स्पेशली इन लीवर्स के लिए बना होता है, जो नी लीवर आपने देखा उसमें यही लगा होता है, वेट है भाई स्विच में, तो हाथ में लेके पता चल रहा है सारी चीज़ें, जो कि अलग की क्वालिटी की मुझे पता चल गया। अभी तक गाइस मैंने जितने भी हैंडल्स दिखाए आपको, स्विच दिखाए, चाहे बटन्स हो गए, वो गाइस हाथ में लेके नॉर्मल लगते थे, लेकिन ये आपको स्विच हो गया या फिर आपको ये हैंडल हो गया, बटन्स हो गए, अगर ऐसा पर्सनली इनको खुद ही क्या नाम है आके देखोगे ना फेस टू फेस, तो आपको पता चल जाएगा एक अलग ही क्वालिटी देखने को मिल गई है। तो भैया इसका क्या प्राइस आता है स्विच का? इसका जो प्राइस है 150 के आसपास है, एक स्विच का, एक स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ उसका प्राइस भी। यहाँ पे आपको लीवर के जो पार्ट्स हैं हमारी वेबसाइट पे अलग अलग मिल जाएंगे, लाइक अगर आपको चाहिए कि जो बेड टॉप है कैप्सूल बेड टॉप, या उसका जो मैकेनिज्म है उसमें जो स्विच लगा हुआ है, हमें कोई अपना खुद कस्टमाइज करना है तो आप हमारी वेबसाइट से कस्टमाइज कर सकते हैं। वेबसाइट आप खुद अपना कस्टमाइज हैंडल या फिर बटन कर सकते हो, एक लीवर भी खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, देख लो पूरी वेबसाइट के अंदर आपको पूरी सुविधा मिल रही है। और
मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा विशाल, जो इस वीडियो की एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होने वाली है और कस्टमर्स को व्यूवर्स को देख कर काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे अब फाइटिंग गेम्स में स्ट्रीट फाइटर और टेकन 7 टेकन 8 में जी कुछ प्लेयर्स ऐसे भी आए जो कीबोर्ड से खेलना पसंद करते हैं। हाँ, कीबोर्ड से, ठीक है। लेकिन अब सीन क्या है, टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो होते हैं PS5 पे, जो अभी हो रहे हैं, ठीक है। अब उनके कीबोर्ड PS5 सपोर्ट नहीं करते, अब वो कहेंगे यार मैं घर पे तो PC पर खेल रहा हूँ टेकन 8, टेकन 8 अवेलेबल है, कीबोर्ड से खेल रहा हूँ, बट मैं टूर्नामेंट में गया मेरे PS5 पे तो चली नहीं। हाँ, सही है। तो वो गए, उन्होंने एंट्री फीस दी और वो टाइम निकाल के गए, वो सब कुछ वेस्ट हो गया, वो खेल ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए हमने एक चीज़ बनाई है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। एक मिनट, क्या बनाया है देखते हैं जरा एक बार। मैंने खैर अभी खुद भी देखा नहीं, दिखा रहे भैया क्या चीज़ है। गैस हैंडल की क्वालिटी पता है बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, अलग ही हैवी हैंडल है। तो आप ये देख सकते हैं, एक छोटी सी हमने मिनी स्टिक बनाई है जो कि स्पेशली कीबोर्ड प्लेयर्स के लिए है। कीबोर्ड प्लेयर्स के लिए इसमें लेफ्ट साइड में एक तरीके से आपको हैंडल मिल जाता है, हैंडल, और यहाँ पे आपको 8 बटन मिल जाते हैं, 8 बटन, और ऊपर आपको PSN बटन, ऑप्शन बटन, शेयर बटन और L3 आती है और टच पैड की मिल जाती है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 8, 4, 16, 6 22 बटन साइज, 22 बटन। अच्छा, तो ये PS5 कंपैटिबल है, वायरलेस कनेक्ट होगा वायर्ड से, ये वायर से ही कनेक्ट होगा। वायरलेस में एक्चुअली थोड़ा सा डिले आता है, तो इसलिए प्लेयर्स को वायर के थ्रू ही खेलना चाहिए। इनपुट लैग होता है, इनपुट लैग होता है वायरलेस में, तो वायर के थ्रू खेलना चाहिए और प्रोफेशनल प्लेयर्स वायर के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये वायर से कनेक्ट रहता है और इसको आप PS5 कंपैटिबल बना सकते हो। ये हमारी स्टोर पर अवेलेबल है, इसको आपको वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, लेकिन आप हमें इंक्वायरी डाल सकते हो, क्योंकि हम कस्टमाइज करते हैं। तो अभी गाइस कस्टमाइज हुआ नहीं है पूरा ही। हाँ, ये अभी तैयार हो रहा है। हाँ, तैयार हो रहा है, लेकिन एक कस्टमर के लिए। ये गाइस की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी, हैवी है बिल्कुल, और छोटा सा है बिल्कुल, आप छोटे से बैग में लेके जा सकते हो, बैग में लेके जा सकते हो कहीं भी खेलने के लिए। और भैया कह रहा है बिल्कुल भी इनपुट लैग नहीं होगा। जी भैया, इसमें बिल्कुल 0.5 ms का डिले होता है, 0.5 ms डिले, ये सबसे फास्टर है। हाँ, फास्टर है। हाँ, और इसके साथ मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो प्लेयर्स चाहते हैं कि यार मुझे ठीक है ये चीज़ चाहिए, मैं इस पर खेल लेता हूँ, और कुछ प्लेयर्स होते हैं कि मुझे ये वाले बटन्स चाहिए, मुझे लीवर नहीं चाहिए, लीवर में भी यही बटन्स चाहिए, लीवर में ये बटन चाहिए, उसको कहते हैं स्नैक बॉक्स। मैं स्नैक बॉक्स पर दिखाऊँगा आपको, और आपको राइट साइड में यहाँ पे बटन मिल जाते हैं, हैंडल के और ये बटन पे। हाँ जी, तो अभी हुआ नहीं है, थोड़ी देर में बिल्कुल। ये एक्चुअली इसको कहते हैं हिट बॉक्स, हिट बॉक्स। हाँ, आप अगर आरके स्टिक के साथ आप सर्च करते हैं हिट बॉक्स, तो आपको हिट बॉक्स की डिटेल्स मिल जाती है, और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा छोटे साइज में है, तो इसको हम स्नैक बॉक्स बोल देते हैं, स्नैक बॉक्स। हाँ जी, तो स्नैक बॉक्स मार्केट में इम्पोर्ट बाहर अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में स्नैक बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने उनका कस्टमाइज स्नैक बॉक्स बनाया। भाई मैंने पहली बार ही देखा है, क्या नाम है किसी शॉप पे, और वो भी कस्टमाइज। तो भैया जी, इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका प्राइस जो रहेगा वो 20,000 के आसपास रहेगा। इसमें जो PSR कंपेटेबल PC भी लगी है, और उसमें बटन भी काफ़ी अच्छे लगे गए हैं, लगाए गए हैं, तो इसका प्राइस 20,000 के प्लस रहेगा बिल्कुल, क्योंकि जो इसकी PCB आती है PSR कंपेटेबल, वो 8,000 से 8,000 के आसपास की रहने वाली है। तो विशाल, आई होप कि आपको कवर कर लिया है। मेन मुझे ये स्टिक दिखानी थी, जो कि अभी तक खैर किसी ने दिखाई, ये टॉपिक मुझे कवर करना था काफ़ी टाइम से। और गाइस मैंने सारे क्या नाम है आर्केट हैंडल्स हो गई, स्टिक्स हो गई, जो भी इनके फीचर है सभी मैंने गाइस दिखा दिया आपको। बाकी भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भैया एक बार एड्रेस बता दोगे अपना?
बिल्कुल, जो हमारी शॉप है आप अगर गूगल मैप पे सर्च करोगे गेम स्टोर इंडिया तो आपको हमारा आजाद फ्लोर का एड्रेस मिल जाएगा। और वैसे हमारे घर का एड्रेस है हाउस नंबर 31 फर्स्ट फ्लोर केबल पार्क एक्सटेंशन आजाद फ्लोर। हाँ तो गाइस भाई ने पूरा जो है घर पे ही सेटअप बना रखा है ताकि कस्टमर आए आराम से अपना चेक करे रिलैक्स होके। बिल्कुल यहाँ पे आराम से भैया चेक करवा देंगे आपको। PS5 भैया ने लगा रखा है, हमने एक्चुअली कस्टमर के लिए PS5 लगाया। अगर आपको PS5 में चेक करके देखना है, PC में चेक कर भैया जी ने दोनों सुविधा कर दी। PC में चेक करना है PC में कर लो, और PSI में चेक करना है PSI में चेक लो, आराम से चेक कर आप कर सकते हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।